हम लोग सॉल्व कर रहे हैं एलजेब्रा इक्वेशंस। क्वेश्चन क्या है? द नंबर ऑफ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम सिमेट्रिक ग्रुप S3 टू एडिटिव ग्रुप Z6। इस क्वेश्चन में पूछा है हमें कि S3 से Z6 में कितनी होमोमॉर्फिज्म बनेगी, मतलब काउंटिंग ऑफ होमोमॉर्फिज्म करनी है हमें। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, काउंटिंग ऑफ होमोमॉर्फिज्म। इस केस में हमें एक तरफ SN दे रखा है और S3 क्या होता है? नॉन अबेलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर 6 है। Z6 क्या है? साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 6 है। तो S3 से हमें Z6 में कितनी होमोमॉर्फिज्म बनेगी वो पता करनी है। तो होमोमॉर्फिज्म काउंट करने के लिए हमारे पास एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये जो फ्रेमिंग है दिमाग में रखेंगे हमेशा। मान लो अपने पास में F फ्रॉम G टू G' कोई होमोमॉर्फिज्म है, तो G/K, K इज द कर्नल ऑफ दैट होमोमॉर्फिज्म, वो हमेशा आइसोमॉर्फिक होता है किसके? एफ ऑफ जी। तो होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ जी, और ये जो भी होमोमॉर्फिक इमेज बनेगी वो सामने जो जी डैश है उसका सब ग्रुप होगी। दिस इज द फंडामेंटल थ्योरम कि G/K वो क्या होगा? आइसोमॉर्फिक होता है एफ ऑफ जी, यानी कि जो होमोमॉर्फिक इमेज होगी उसके आइसोमॉर्फिक होगी, और ये जो भी ग्रुप होगा वो क्या होगा? सब ग्रुप होगा जी डैश का। तो जब भी हम होमोमॉर्फिज्म देखेंगे तो हम G/K कर्नल चेक करेंगे पहले, तो फिर जो कर्नल के बाद, एक बार आपको कर्नल पता लग गया तो हमें ये दिमाग में फ्रेमिंग रखनी है कि G/K किस टाइप का ग्रुप बनेगा, क्योंकि सामने वाले ग्रुप के पास में G/K टाइप का सब ग्रुप होना चाहिए, तभी वो होमोमॉर्फिज्म बनेगी, अदरवाइज काउंट नहीं होगी। सेकेंड चीज अपने पास में इसमें ये है कि जो कर्नल होते हैं, कर्नल आर ऑलवेज नॉर्मल होते हैं। कर्नल किसी भी ग्रुप के क्या होंगे? होमोमॉर्फिज्म के वो नॉर्मल सब ग्रुप होते हैं। तो हमें कर्नल के लिए पॉसिबिलिटी वही देखनी है जो नॉर्मल सब ग्रुप बन रहे। अब यहां पे हमें दे रखा है S3। S3 के पास में केवल तीन ही सब ग्रुप होते हैं जो नॉर्मल होते हैं, एक E, एक A3 और S3 खुद। जब पहले केस में जब E अगर मान लो कर्नल बनता है, देखो ये केवल तीन पॉसिबिलिटी है जो कर्नल बन सकते हैं, ठीक है। तो पहले केस में क्या बनेगा? अगर मान लो E कर्नल बनता है तो S3/E क्या होना चाहिए? सामने वाले ग्रुप का सब ग्रुप होना चाहिए, इस टाइप का सब ग्रुप मिलना चाहिए Z6 के पास। सामने क्या है? Z6 है। तो S3/E तो क्या बनेगा इस केस में? तो ये S3 बन जाएगा वापस। S3 क्या है? नॉन अबेलियन ग्रुप है, तो इस टाइप का तो Z6 के पास में कोई सब ग्रुप मिलेगा नहीं यूजिंग दिस रिजल्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट जो फंडामेंटल थ्योरम है एक तरह से होमोमॉर्फिज्म की, वो अप्लाई कर रहे हैं हम कि G/K है वो साम इस टाइप का सब ग्रुप मिलना चाहिए अपने को सामने वाले ग्रुप के पास में, लेकिन Z6 के पास में S3 टाइप का कोई सब ग्रुप नहीं मिलेगा। इस केस में तो ये आइसोमॉर्फिज्म बन जाएगी। S3 और Z6 तो आइसोमॉर्फिक ग्रुप होते नहीं है, इसका मतलब क्या है? इस केस में जीरो मिलेगी, कुछ नहीं मिलेगा। सेकंड केस पे आ जाते हैं, जो S3/A3 बनेगा ये क्या है? इस केस में हमने कर्नल क्या लिया? A3 लिया है। तो S3/A3 क्या बनेगा? ऑर्डर 2 का सब ग्रुप मिलेगा, या ग्रुप बनेगा, ये ऑर्डर 2 का बनेगा। सामने वाले ग्रुप के पास में ऑर्डर 2 का सब ग्रुप होता है क्या? तो सामने वाला ग्रुप क्या है? Z6 है। Z6 क्या होता है? साइक्लिक होता है। किसी भी साइक्लिक ग्रुप के पास में जो भी उसको नंबर डिवाइड करता है उस नंबर का यूनिक सब ग्रुप मिलेगा, क्योंकि उस नंबर का क्या मिलेगा? एलिमेंट मिलेगा, और वो एलिमेंट सब ग्रुप जनरेट करेगा। तो इसके पास में 2 ऑर्डर का सब ग्रुप मिलेगा, एक ही मिलेगा। तो ये E/A इस केस में पॉसिबिलिटी है, क्लियर है? A3 के केस में पॉसिबिलिटी होगी बिल्कुल, क्योंकि हमें क्या चाहिए था? सामने वाले ग्रुप के पास में ऑर्डर 2 का सब ग्रुप चाहिए था, और मिल गया अपने को, एक ही मिला है, तो एक ही बनेंगे इस केस में, क्योंकि आधे एलिमेंट S3 के वो आइडेंटिटी पे जाएंगे, आधे एलिमेंट क्या जाएंगे? A पे जाएंगे, मैप करवाएंगे, तो केवल एक होमोमॉर्फिज्म मिलेगी इस केस में, ठीक है। तीसरे केस में क्या है कि कर्नल खुद ही क्या बन गया?
एस थ्री बाई एस थ्री, कर्नल खुद ही एस थ्री बन गया उस केस में, तो ये क्या बनेगा, ट्रीवियल बन जाएगा। तो ट्रीवियल सब ग्रुप तो उसके पास मिलेगा ही मिलेगा, जेड सिक्स के पास नहीं, वन ऑर्डर का एक ही सब ग्रुप होता है वो ट्रीवियल। इस केस में क्या है, बी बन जाएगी, एक ही बनेगी। इन दोनों, ये दोनों पॉसिबल कर्नल हो जाएंगे, लेकिन पहले वाले केस में आपको कोई होमोमॉर्फिज्म नहीं मिलेगी। तो टोटल कितनी हो गई, वन प्लस वन टू, इसका तो आंसर क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा। क्लियर है? अब देखो आपको इन जनरल, इन जनरल आपको एक रिजल्ट याद रख लो आप, जो काम आएगा किसी भी एग्जाम के लिए। देखो हम अगर SN से, कोई भी SN, उससे अगर आपको ZM में क्या निकालनी है, नंबर ऑफ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म निकालनी है, तो SN के पास में केवल तीन ही जनरल ये कर्नल मिलेंगे, E, AN और SN। इस केस में हमेशा क्या मिलेगा, जो SN अपॉन SN क्या बनेगा, E बन जाएगा, मतलब ट्रिवियल सब ग्रुप बन जाएगा, ये ग्रुप बन जाएगा जो Z6 के पास, किसी भी सामने वाले जो भी ग्रुप है ZM के पास हमेशा मिलेगा, तो उस केस में एक बनेगी। ठीक है, इस केस में कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि ये क्या बन जाएगा, SN अपॉन E करोगे जब आप, तो ये आइसोमॉर्फिक हो जाएगा किसके, SN के, तो SN टाइप का इसके पास में कोई ZM के पास सब ग्रुप मिलेगा नहीं, इस केस में भी नहीं मिलेगा। इस केस में हमेशा मिलेगा कि सामने क्या है, ZM है, देखते सामने क्या है, ZM है, तो इस केस में भी क्या होगा, SN अपॉन जो ZAN होगा वो क्या बनेगा, ऑर्डर टू का सब ग्रुप मिलेगा बनेगा। तो ZM के पास अगर ऑर्डर टू का सब ग्रुप है तो मिल जाएगी, अगर ऑर्डर टू का सब ग्रुप नहीं है तो नहीं मिलेगी। ये डिपेंड करता है कि M क्या है, अगर M इवन है तो मिल जाएगी, और M अगर ऑड है तो ऑर्डर टू का सब ग्रुप नहीं मिलेगा। मतलब जेड सिक्स था तो ऑर्डर टू का सब ग्रुप मिल गया, लेकिन अगर जेड फाइव होता तो ऑर्डर टू का सब ग्रुप नहीं मिलता। इस केस में इट डिपेंड्स ऑन एम, ठीक है ना, कि एम कैसा है, एक भी मिल सकती है और जीरो मिलेगी। अगर एम क्या है, इवन है तो एक मिलेगा, और एम अगर ऑड है तो जीरो मिलेगी। कहने का मतलब ये हुआ कि एस एन से जेड एम के अंदर टोटल नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म डिपेंड करेगी एम पे, कितनी होगी, या तो इसको हम लोग फेयरली लिख लेते हैं, काम का रिजल्ट है, भाई एग्जाम में आ जाए ऐसे क्वेश्चन तो बार बार चेक करने की जरूरत नहीं है, पहले से पता हो तो वेल एंड गुड, टाइम बचता है एग्जाम में। तो हमने क्या अभी ये वेरीफाई किया है कि एस एन से जेड एम के अंदर कोई भी अपने पास में होमोमॉर्फिज्म काउंट करनी है तो एम पे डिपेंड करेगी, तो टोटल नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म कितनी मिल जाएगी, इज वन इफ एम इज ऑड एंड टू इफ एम इज इवन, क्योंकि अगर एम इवन है तो उसके पास टू ऑर्डर का सब ग्रुप मिल जाएगा, उस केस में दो बन जाएगी, वरना उस केस में भी नहीं मिलेगी तो एक ही मिलेगी। तो नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म एस एन से जेड एम में कुछ भी आ जाए, साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर एम, तो होमोमॉर्फिज्म कितनी होती है, वन और टू, तो वन इफ एम इज ऑड एंड टू इफ एम इज इवन। इस केस में अगर डायरेक्ट ये पता होता अपने को पहले से रिजल्ट इस तरह के, तो आप डायरेक्टली कर सकते थे इस क्वेश्चन को कि एस थ्री से जेड सिक्स में कितनी मिलेगी। अब जेड सिक्स में क्या है, सिक्स क्या है, इवन है, तो मतलब दो मिलेगी, आंसर टू हो गया। आगे से कभी भी ध्यान रखें कि मान लो आपको पूछा जाए कि एस फाइव से कोई भी एसएन हो, यहाँ पे इस पर तो डिपेंड ही नहीं कर रहे हम लोग, एस फाइव से जेड टेन में कितनी होमोमॉर्फिज्म मिलेगी, दो मिलेगी। क्लियर है? अगर मान लो जेड 101 दे रखा होता तो कितनी मिलती, एक मिल जाती, इस केस में मिलेगी वन, अगर ये इवन होता तो दो मिल जाएगी। क्लियर है? ये जो रिजल्ट है आपको पता होना चाहिए, इज इम्पोर्टेंट रिजल्ट। आगे बढ़ते हम दूसरे क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट जी बी ए सिंपल ग्रुप ऑफ ऑर्डर 60। ग्रुप गिवन है, सिंपल है, जो
और ऑर्डर 60 है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट काम आएंगे। सिंपल ग्रुप ऑर्डर 60 का गिवन है। सबसे पहले सिंपल ग्रुप क्या होते हैं? वो ग्रुप जिसके पास में कोई भी प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप नहीं होता है वो सिंपल होते हैं। अगर जी सिंपल है तो इसका मतलब ई एंड जी ग्रुप इटसेल्फ एंड जी आर ओनली नॉर्मल सब ग्रुप। तो सिंपल ग्रुप की डेफिनेशन क्या होती है? जिनके पास में कोई भी प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप नहीं होते हैं और ई एंड जी आर ओनली नॉर्मल सब ग्रुप। जिसके पास केवल ई और जी नॉर्मल सब ग्रुप है उनको हम सिंपल ग्रुप बोलते हैं। तो हमें ये देखना है कोई भी अगर प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप मिल गया तो वो सिंपल नहीं रहेगा। दूसरा इसमें इम्पोर्टेंट जो नंबर है वो 60 है। 60 इसलिए इम्पोर्टेंट है बिकॉज इट इज द फर्स्ट, इट इज फर्स्ट कंपोजिट नंबर टू बी एन ऑर्डर ऑफ सिंपल ग्रुप। सिंपल ग्रुप का ऑर्डर होने के लिए जो सबसे पहला कंपोजिट नंबर है जिस ऑर्डर का सिंपल ग्रुप एग्जिस्ट करता है वो 60 है। 60 से पहले कोई भी सिंपल ग्रुप कंपोजिट ऑर्डर का एग्जिस्ट नहीं करता। एग्जिस्ट कर सकता है लेकिन वो क्या होंगे? प्राइम ऑर्डर के होंगे, करते इनफैक्ट, लेकिन इससे पहले कोई भी कंपोजिट ऑर्डर का सिंपल ग्रुप एग्जिस्ट नहीं करता। तो 60 बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है क्योंकि इस ऑर्डर का सिंपल ग्रुप एग्जिस्ट करता है। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑर्डर है वो 168 होता है, ये भी फैक्ट आपको पता होना चाहिए। दोनों ही काम के नंबर है। 168 इसलिए काम का है क्योंकि इस कंपोजिट नंबर के ऑर्डर का सिंपल ग्रुप एग्जिस्ट करता है। ये दूसरा ऑर्डर है 60 के बाद में जिसके ऑर्डर का सिंपल ग्रुप एग्जिस्ट करता है। अगली बात अपने पास में इसको पता होनी चाहिए कि 60 ऑर्डर का अगर कंपोजिट ग्रुप है तो कौन सा है एग्जाम्पल इसका? A5, वेरी फेमस एंड इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल कि A5 होता है वो क्या होता है? सिंपल होता है। तो अगर ये इतना इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है तो इसके एलिमेंट के बारे में डिटेलिंग भी पता होनी चाहिए आपको। इस ग्रुप के बारे में आपको पता होना चाहिए क्या अल्टरनेटिव ग्रुप है ऑफ ऑर्डर 60। इसका ऑर्डर क्या होता है? 5 factorial by 2, दैट इज 60। इसके पास इवन परमुटेशन आएंगे, यानी कि इस तरह के एलिमेंट आएंगे। ई आएगा, एक 3 cycle आएगी। ऑड साइकिल क्या होती है? इवन परमुटेशन होते हैं। ये ए बी सी डी ई इस टाइप के एलिमेंट आएंगे और एक अपने पास में ए बी, ये ऑड इंटू ऑड सी डी क्या इवन हो गया। इस तरह के एलिमेंट ही पॉसिबिलिटी है ए फाइव के पास में। तो ये अपने पास में क्या है? इस तरह का एक एलिमेंट होगा, आइडेंटिटी तो एक ही होता है किसी भी ग्रुप में। ए बी सी टाइप के 20 एलिमेंट होंगे, 5 cycle इसके पास में 24 होगी और इस तरह के एलिमेंट होंगे इसके पास में 15। तो ये अपने पास में ऑर्डर का डिस्ट्रीब्यूशन है, ये एलिमेंट का डिस्ट्रीब्यूशन है ए फाइव के पास में। इस तरह के एलिमेंट होते हैं इसके पास में और कितने होते ये भी पता होना चाहिए। टोटल हो गए 60। अब इस अगर इतना फैक्ट पता है आपको तो कुछ ऑप्शन तो वैसे डिस्कार्ड हो जाएंगे। एक सी ऑप्शन क्या कह रहा है देखो, इसमें जी हैज अ साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 6। हमें कह रहा है कि जी सिंपल है, ऑर्डर 60 का है, तो उसके पास में 6 ऑर्डर का एक साइक्लिक सब ग्रुप मिलेगा। 6 ऑर्डर का साइक्लिक सब ग्रुप मिलने के लिए उसके पास में 6 ऑर्डर का एलिमेंट होना चाहिए। उसके पास में क्या होना चाहिए? 6 ऑर्डर का एलिमेंट होना चाहिए, लेकिन इसके पास तो एलिमेंट ही इस टाइप के मिल रहे। इसका ऑर्डर क्या है? यहां पे मैं इधर ऑर्डर लिख देता हूं। इसका ऑर्डर क्या है? 1 है। इस तरह का ऑर्डर क्या है? इसका ऑर्डर 3 है, 3 cycle, ये 5 ऑर्डर है और ये क्या है? 2 ऑर्डर है। फिर ऑर्डर कैसे निकालेंगे इस केस में? 2 2, दोनों का एलसीएम क्या है? 2 आ गया, तो ऑर्डर क्या हो गया? 2 हो गया। तो इसके पास में A5 के पास में 6 ऑर्डर का कोई एलिमेंट नहीं मिलता है, केवल इन इन ऑर्डर के ही एलिमेंट मिलेंगे इसके पास में 1 3 5 and 2। तो 6 ऑर्डर का एलिमेंट होता नहीं है इसके पास में, तो 6 ऑर्डर का साइक्लिक सब ग्रुप मिलेगा नहीं।
सी ऑप्शन तो डिस्कार्ड हो गया। डी ऑप्शन क्या कह रहा है, जी एज ए यूनिक एलिमेंट ऑफ ऑर्डर टू। देखो ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, और भी कई काम आ सकता है। किसी भी ग्रुप के पास में अगर दो ऑर्डर का यूनिक एलिमेंट है, मतलब एक ही एलिमेंट है दो ऑर्डर का, तो उसके क्या फर्क पड़ेगा। देखो मान लो x है जिसका ऑर्डर क्या गिवन है 2 है, और दो ऑर्डर केवल एक ही एलिमेंट है x, तो हम क्या करें, अगर x का कॉन्जुगेट निकालें किसी भी एलिमेंट के साथ में, तो हम y x अगर y इनवर्स निकालेंगे तो हमें ये पता है कि किसी भी इस तरह के एलिमेंट जो कॉन्जुगेट है उसका ऑर्डर और जो ऑर्डर ऑफ x है वो सेम होता है। तो अगर इसका ऑर्डर क्या है 2 दे रखा है, तो इसका भी ऑर्डर क्या होगा 2 होगा। लेकिन 2 ऑर्डर का क्या यूनिक एलिमेंट है, एक ही एलिमेंट है, इसका मतलब x का किसी भी एलिमेंट के साथ कॉन्जुगेट लेंगे तो y x y इनवर्स हमेशा क्या आएगा, वापस x ही आएगा। तो ये इंप्लाई करेगा कि y x इक्वल्स टू x y, दोनों तरफ y से ऑपरेट करेंगे तो ये आ जाएगा। मतलब ये जो x होगा यूनिक, वो हर एक एलिमेंट के साथ क्या करेगा, कम्यूट कर जाएगा। अगर हर एक कोई भी एलिमेंट था y तो उसका कम्यूट कर गया, अगर कम्यूट कर गया इसका मतलब क्या है कि जो x है वो किस में बिलोंग कर जाएगा, z ऑफ g में, सेंटर में बिलोंग कर जाएगा। अगर किसी भी ग्रुप के पास में दो ऑर्डर का यूनिक एलिमेंट मिल गया तो वो हमेशा सेंटर में चला जाएगा। दैट व्हाट वी हैव शोन हियर कि ये सेंटर में चला गया, इसका मतलब कि सेंटर हमेशा e तो होते ही है सेंटर के पास में, एक और एलिमेंट आ गया x, तो सेंटर दो एलिमेंट का होगा या दो से बड़ा एलिमेंट का होगा। अब सेंटर पूरा 60 के इक्वल तो होगा नहीं, क्योंकि वो अबेलियन ग्रुप होना जरूरी नहीं है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि सेंटर है उसके पास में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने आ जाएंगे, सेंटर का जो ऑर्डर हो जाएगा उस केस में हो जाएगा ग्रेटर देन 2 या इक्वल टू 2, कम से कम 2 का तो सेंटर मिलेगा मिलेगा, क्योंकि जो यूनिक एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2 है वो भी सेंटर में आ जाता है। अब सेंटर किसी भी ग्रुप के अंदर नॉर्मल होता है, किसी भी ग्रुप के अंदर सेंटर क्या होता है, नॉर्मल होता है। और ये क्या बनेगा, प्रॉपर नॉर्मल बनेगा, क्योंकि सेंटर पूरा जी के इक्वल नहीं बनेगा। जी के इक्वल होने का मतलब तो क्या है कि वो अबेलियन ग्रुप हो जाएगा, तो अबेलियन हो जाएगा उस केस में तो सिंपल नहीं रहेगा, बहुत सारे नॉर्मल मिल जाएंगे। तो इसका मतलब सिंपल है 60 ऑर्डर का तो जेड जी क्या हो जाएगा, प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप मिल जाएगा। और ये सब इसलिए हुआ क्योंकि ये दो ऑर्डर का एलिमेंट इसमें आ गया। तो कहने का मतलब ये है कि किसी भी ग्रुप के पास में ऑर्डर 2 का यूनिक एलिमेंट है तो वो, और अगर नॉन अबेलियन है तो उस केस में अपने पास में सिंपल नहीं हो सकता वो ग्रुप, क्योंकि ये सेंटर नॉर्मल बन जाएगा उसके अंदर, प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप मिल जाएगा। डी ऑप्शन भी क्या है, डिस्कार्ड कर लेंगे हम लोग। बचे दो ऑप्शन है, वो क्या कह रहा है कि जी एज 4 3 साइलो सब ग्रुप और जी एज 6 साइलो 5 सब ग्रुप। जी एज 4 साइलो 3 सब ग्रुप और 5 साइलो सब ग्रुप के बारे में बात कर रहे हैं। तो अभी साइलो सब ग्रुप को समझने के लिए हम समझ लेते हैं इसको अलग से, देखो क्या है। सबसे पहले तो साइलो सब ग्रुप होते क्या है, तो साइलो सब ग्रुप होते हैं वो क्या होते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, इस तरह के है ना, पी साइलो सब ग्रुप या 5 साइलो 3 साइलो। पी क्या कोई भी प्राइम होगा, तो इनको इन शॉर्ट क्या बोलते हैं, पी एस एच जी बोलते हैं। पी एस एच जी क्या होते हैं, अगर ग्रुप का ऑर्डर अपने पास में दे रखा है पी रेस्ट पावर सपोज n1, क्यू रेस्ट पावर n2, एंड कोई भी और ये प्राइम फैक्टर करने के बाद में ग्रुप का ऑर्डर इस तरीके से है r^n3। पी एस एच जी वो होगा, तो ग्रुप सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर p^n1, इसको क्या बोलेंगे हम, पी एस एच जी बोलेंगे। p की जो हाईएस्ट पावर है जो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड कर रही है वो क्या होता है, पी एस एच जी होता है। सिंपल है अपने पास में, पी एस एच जी का मतलब ये होगा कि जो सब ग्रुप होगा p^n ऑर्डर का, हाईएस्ट ऑर्डर का, जो क्योंकि p^n हाईएस्ट है जो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड कर रही है, उस ऑर्डर के जो भी सब ग्रुप होंगे जितने भी होंगे वो सब क्या कहलाएंगे, पी एस एच जी कहलाएंगे।
पहली बात तो ये पीएसएच जी क्या होते हैं। तो 60 ऑर्डर का जो ग्रुप दे रखा है, ऑर्डर ऑफ जी क्या दे रखा है, 60 दे रखा है अपने को। 60 क्या होता है, ये 2 स्क्वायर 3, ये 4 × 3 12 × 5 60 हो गया। तो इसके पास में क्या क्या मिलेंगे, 2 SHG मिलेंगे क्योंकि 2 डिवाइड कर रहा है। 2 SHG का ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर 4 होगा क्योंकि 2 रेस्ट पावर जो हाईएस्ट क्या डिवाइड कर रही है, 4। तो 4 ऑर्डर के जितने भी सब ग्रुप मिलेंगे उसको क्या बोलेंगे हम, 2 SHG। तो इसके पास 2 SHG मिलेगा, उसका ऑर्डर क्या होगा, 4 होगा। इसके पास 3 SHG मिलेगा जिसका ऑर्डर क्या होगा, 3 होगा, क्योंकि 3 की हाईएस्ट पावर क्या है, 3 है, ये तो 1 ही है, मतलब 3 केवल डिवाइड कर रहा है तो इसका ऑर्डर भी क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ऐसे इसके पास मिलेगा एक 5 SHG जिसका ऑर्डर क्या है, 5 रहेगा, क्योंकि 5 की हाईएस्ट पावर 1 ही है जो इसको डिवाइड करती है, तो इसका ऑर्डर भी क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 60 ऑर्डर ग्रुप के पास में 2 SHG मिलेगा, 3 SHG मिलेगा, 5 SHG मिलेगा। सेकेंड चीज अपने पास में एक साइलोज का रिजल्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट, कि नंबर ऑफ PSHG निकालना है अगर आपको, तो इसकी पॉसिबिलिटी क्या होती है कि 1+PT डिवाइड करें ऑर्डर ऑफ जी डिवाइडेड बाई ऑर्डर ऑफ दैट PSHG, यानी कि ये जो भी नंबर निकले ऑर्डर ऑफ जी डिवाइडेड बाई ऑर्डर ऑफ PSHG, उसको डिवाइड करने वाला इस फॉर्मेट का नंबर है ना, इस फॉर्म का नंबर 1+PT। पी क्या है कि जो आप PSHG निकालना चाह रहे हो, टी क्या है, टी आप कुछ भी रखो, 0, 1, 2 इस तरीके से आप रखते जाओ। ये जो पॉसिबल नंबर मिलेगा आपको वो डिवाइड करना चाहिए इस तरफ राइट हैंड साइड को, तो ये पॉसिबल ऑर्डर आएंगे, इससे अपने को क्या मिलेगा, पॉसिबल ऑर्डर ऑफ PSHG मिलता है। ये साइलो का इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि नंबर ऑफ PSHG निकालने के लिए काम आएगा, ठीक है ना। PSHG क्या होता है, नंबर ऑफ 1+PT जो डिवाइड करे ऑर्डर ऑफ जी डिवाइडेड बाय ऑर्डर ऑफ PSHG। तो यहां पे अगर मान लो आपको नंबर ऑफ 5 SHG निकालना है 60 ऑर्डर केस में, तो 5 SHG के पॉसिबल ऑर्डर नंबर क्या होगा, नंबर ऑफ 5 SHG वो 1+5T डिवाइड्स 60 ऑर्डर ऑफ ग्रुप बाय 5, ऑर्डर ऑफ 5 SHG कितना है, 5 ही है, तो ये इसको डिवाइड करेगा क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो 1+5T डिवाइड करना चाहिए 12 को, तो आप टी क्या रखोगे कि ये नंबर ऐसा बने जो 12 को डिवाइड करे, टी 0 रखेंगे तो 1 आएगा, इसके लिए एक पॉसिबिलिटी आ गई 1। टी जब आप 1 रखोगे तो 5 × 1 5+1 6, 6 भी डिवाइड करता है 12 को, लिख लेंगे। अब टी अगर 2 रखते हो तो 10+1 11 हो जाएगा, 11 डिवाइड नहीं करता 12 को, तो आगे की पॉसिबिलिटी नहीं मिलेगी आपको। तो 5 SHG के पॉसिबल ऑर्डर क्या है, 1 और 6, क्लियर है। ये जो चीज़ है अपने पास, हमने क्या किया, इस रिजल्ट का एप्लीकेशन किया हमने, नंबर ऑफ PSHG का निकाले हमने, ठीक है, उसको अप्लाई किया इस रिजल्ट को 60 ऑर्डर के ग्रुप के अंदर। अब एक और रिजल्ट है जो साइलोज से ही आता है कि PSHG जो होता है इज नॉर्मल इफ एंड ऑनली इफ इट इज यूनिक। PSHG जो की बात कर रहे हैं वो नॉर्मल होता है इफ एंड ऑनली इफ वो यूनिक हो, अगर एक ही PSHG मिलेगा तो नॉर्मल हो जाएगा। अभी हमने 60 ऑर्डर में क्या निकाला है, 5 PSHG के जो पॉसिबल ऑर्डर है वो क्या है, या तो 5 SHG है वो 1 मिलेगा या 6 मिलेंगे। अगर 1 मिल गया तो उस केस में यूनिक हो जाएगा, तो 5 SHG क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। तो 5 ऑर्डर का सब ग्रुप हमें नॉर्मल मिल जाएगा। तो 60 देखिए हमें क्या गिवन है, 60 ऑर्डर का सिंपल ग्रुप गिवन है, तो ग्रुप सिंपल नहीं रहेगा क्योंकि कोई भी अगर नॉर्मल प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप मिल जाता है तो वो सिंपल ग्रुप नहीं होता है, तो ये 1 नहीं हो सकता, 5 SHG 1 पॉसिबिलिटी खत्म हो जाएगी इसकी। 1 इसलिए खत्म हो जाएगा क्योंकि यूनिक PSHG क्या होता है, नॉर्मल होता है। अगर अपने पास में एक ही मिल गया 5 SHG
तो 5 SHG का ऑर्डर कितना है 5, तो 5 ऑर्डर का एक प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप मिल जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमें गिवन है 60 ऑर्डर का। तो इस 60 ऑर्डर के ग्रुप के पास में 5 SHG क्या मिलेगा, एक ही मिलेगा, सॉरी 6 मिलेंगे, क्योंकि 1 नहीं मिल सकता, 1 हमने पॉसिबिलिटी रिमूव कर दी। 1 और 6 कहां से पॉसिबिलिटी आई थी, इस रिजल्ट का अप्लाई करने से, कि नंबर ऑफ PSHG कैसे निकालते हैं। तो इन दोनों के कंबाइंड रिजल्ट से हमने ये पता लगाया कि 5 SHG है वो 6 होंगे, 1 नहीं हो सकता, क्योंकि 1 के केस में तो वो नॉर्मल हो जाएगा। हमें पूछा क्या ऑप्शन में, यही पूछा है, देखो ये ऑप्शन यही है कि जी एच 6 साइलो 5 सब ग्रुप, जो 5 SHG है वो नंबर कितने मिलेंगे आपको, 6 मिलेंगे, बिल्कुल 6 ही मिलेंगे, क्योंकि 1 नहीं मिल सकता। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन क्या है, ए हो जाएगा। अगर आपको पहले ही ये सब साइलोज के रिजल्ट पता है, तो इसका मतलब आप ये सी और डी को चेक करने की जरूरत नहीं थी। मैंने इसलिए बताया सी और डी क्योंकि आपको इसमें इस ऑर्डर के ग्रुप की डिटेलिंग पता होनी चाहिए, ये बाकी और क्वेश्चन में काम आएगा। इसी क्वेश्चन के अंदर हम बी भी चेक कर सकते थे, आंसर तो हमें मिल गया कि 6 मिलेंगे, ठीक है, 5 SHG कितने मिलेंगे, 6 मिलेंगे, दिस वॉज द आंसर। बी ऑप्शन को भी चेक कर सकते थे इसमें कि 3 SHG कितने मिलेंगे, देखो 3 SHG है वो, उसके लिए पॉसिबिलिटी 1 प्लस 3T डिवाइड करना चाहिए, ग्रुप का ऑर्डर दे रखा है 60 डिवाइडेड बाई वॉट, 3 SHG का ऑर्डर क्या है, 3 है 20, यानी कि ये नंबर है वो 20 को डिवाइड करने वाला होना चाहिए। तो इसके लिए पॉसिबिलिटी क्या बनेगी, जब टी 0 रखेंगे तो 1 आ जाएगा, डिवाइड कर रहे हैं, टी जब 1 रखेंगे तो ये 4 हो जाएगा, टी जब 2 रखेंगे तो ये 7 बनेगा जो 20 को डिवाइड नहीं करेगा, टी जब 3 रखेंगे तो ये बनेगा 10 बन जाएगा। तो यही केवल पॉसिबिलिटी आ रही है, ये 15 नहीं बने, ये और कुछ नहीं बनेगा जो 20 को डिवाइड करे। तो 3 SHG हो सकते हैं, 1 4 और 10, 1 नहीं हो सकता क्योंकि प्रॉपर नॉर्म ये यूनिक 3 SHG नॉर्मल हो जाएगा, 1 हटा दो। अब 4 या 10 बचा है, अब हमें A5 एग्जांपल भी पता है, अभी अभी हमने इसके एलिमेंट को डिस्कस किए, 3 ऑर्डर के एलिमेंट कितने मिलते हैं इसके पास में, 20 एलिमेंट मिलते हैं। अब 20 एलिमेंट है तो एक अपने पास में 3 ऑर्डर का सब ग्रुप बनाने के लिए ई ए और ए स्क्वायर चाहिए, या अपने पास में इसको मतलब 2 एलिमेंट चाहिए ऑर्डर 3 के, दोनों का ऑर्डर क्या 3 होता है, तो 20 में से एक सब ग्रुप बनाने के लिए 2 एलिमेंट चाहिए अपने को, तो टोटल 3 ऑर्डर के सब ग्रुप कितने मिल जाएंगे, 3 ऑर्डर के टोटल सब ग्रुप मिलेंगे कितने, 10 मिल जाएंगे। तो हमारे पास में एग्जांपल ये है कि 3 SHG कितने मिलेंगे, 10 मिलेंगे, क्योंकि सिंपल ग्रुप होता है 60 ऑर्डर का, वो क्या होता है, A5 होता है। अगर आपको A5 की डिटेल पता है तब भी हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, क्योंकि आपको ये भी पता था इस केस में, अभी हमने डिस्कस किया कि 5 ऑर्डर के जो एलिमेंट थे वो भी कितने थे, वो 24 थे। एक 5 ऑर्डर का जो सब ग्रुप होता है, 5 ऑर्डर का जो सब ग्रुप बनेगा उसके लिए हमें चाहिए नंबर ऑफ एलिमेंट 4, तो 24 से कितने सब ग्रुप मिल जाएंगे, 6। तो 5 ऑर्डर का अपने पास में PSHG है कितने मिलेंगे, 6 मिलेंगे। अगर आपको एलिमेंट के बारे में पता है और A5 की डिटेलिंग पता है तब भी आप इस ऑप्शन को डायरेक्टली कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट कह रहा है कि एवरी फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन इज फिल्ड, फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन, इंटीग्रल डोमेन होता है वो पता होना चाहिए। दूसरा है अपने पास में एवरी फाइनाइट डिवीजन रिंग स्क्यू फील्ड, स्क्यू फील्ड क्या होता है। तीसरा ऑप्शन क्या है, जो स्टेटमेंट है वो एवरी इंटीग्रल डोमेन विच इज ऑल्सो ए डिवीजन रिंग, मतलब ये जो आईडी प्लस SF है ना, इसको SF बोल देते हैं, स्क्यू फील्ड को इसको हम आईडी बोलते हैं, वो भी इंप्लाई क्या करेगा, फील्ड। ये कह रहा है कि ये भी फील्ड बनेगा, ये भी फील्ड बनेगा, और ये भी इंप्लाई करेगा कि फील्ड बनेगा। तो इंटीग्रल डोमेन क्या होता है, कोई भी कम्यूटेटिव रिंग CRU
प्लस जीरो डिवाइजर विदाउट जीरो डिवाइजर, सी आर यू विदाउट जीरो डिवाइजर जो होता है वो क्या होता है, इंटीग्रल डोमेन होता है। तो इंटीग्रल डोमेन बहुत ही फंडामेंटल रिजल्ट है ये कि फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन क्या होता है, फील्ड होता है। इसको आपको एग्जाम में प्रूफ नहीं करना है, ये तो पता होना चाहिए था, ये नहीं पता है तो फिर एग्जाम में क्वेश्चन काम का नहीं है। फाइनाइट जो इंटीग्रल डोमेन होते हैं वो क्या होते हैं, फील्ड होते हैं, ये फर्स्ट स्टेटमेंट है। सेकेंड अपने पास में क्या है, एवरी फाइनाइट डिविजन रिंग फील्ड होती है। तो डिविजन रिंग और इसमें क्या फर्क होता है, केवल इतना ही फर्क होता है, इसकी फील्ड हम उनको बोलते हैं कि उसके हर एक नॉन जीरो एलिमेंट, इफ ए इज नॉट इक्वल्स टू जीरो देन ए इनवर्स एग्जिस्ट। एक कंडीशन ध्यान, इसमें इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है कि हर एक नॉन जीरो एलिमेंट का क्या है, इनवर्स एग्जिस्ट करता है, लेकिन ये कम्यूटेटिव नहीं होता है। कमी क्या है इसमें, फील्ड होने से ये कम्यूटेटिव नहीं होता है। तो इसकी फील्ड और फील्ड में क्या फर्क है, कम्यूटेटिविटी का, ये नॉट कम्यूटेटिव होता है। इसकी फील्ड होता है वो कम्यूटेटिव होना जरूरी नहीं है, लेकिन हर एक एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। लेकिन अगर इसकी फील्ड भी फाइनाइट हो जाते हैं तो ये कम्यूटेटिविटी आ जाती है उसके पास में। तो फाइनाइट इसकी फील्ड भी क्या होते हैं, फील्ड होते हैं, ये भी आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए था। एग्जाम में ये सब चीजें प्रूफ करने की नहीं होती है। थर्ड क्या कह रहा है कि इंटीग्रल डोमेन और इसक्यू फील्ड दोनों ही हैं तो फील्ड हो जाएगा। तो इसक्यू फील्ड के पास किसकी कमी थी, कम्यूटेटिविटी की केवल। तो ये इंटीग्रल डोमेन हो जाएगा तो क्या है, कम्यूटेटिव भी हो जाएगा। इसक्यू फील्ड के पास में हर एक नॉन जीरो एलिमेंट का इनवर्स तो एग्जिस्ट करते ही है। अब हमें क्या चाहिए, ये आईडी भी बन जाए अगर, तो इसका मतलब ये क्या है, कम्यूटेटिव हो जाएगा, कम्यूटेटिव हो जाएगा। उस केस में क्या हो जाएगा, फील्ड बन जाएगा। फील्ड क्या होता है, उसके पास में सी आर यू और हर एक एलिमेंट का क्या होना चाहिए, इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए, तो फील्ड होता है। तो ये तीनों स्टेटमेंट तो सिंपल फंडामेंटल रिजल्ट हैं, आपको फील्ड थ्योरी या रिंग थ्योरी के आपको पता होना चाहिए था। कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर है जो फाइनाइट और विदाउट जो डिवाइजर है तो उसके पास कम्यूटेटिविटी भी आ जाती है और यूनिटी भी आ जाती है। इनफैक्ट यूनिटी नहीं हो तो भी आ जाएगा, नहीं भी दे रखा है तो भी इसका मतलब उसके पास यूनिटी एग्जिस्ट करेगी। क्या है कि फाइनाइट स्ट्रक्चर है कोई भी और विदाउट जीरो डिवाइजर है, लेकिन विदाउट जीरो इतना ही दे रखा है केवल अपने को। तो इस फाइनाइट होने की वजह से उसके पास में वो कम्यूटेटिव हो जाएगा। सेकंड अपने पास में वो उसके पास यूनिटी भी आ जाएगी, दोनों चीजें हो जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है, ये एक करेक्ट आंसर हो जाएगा।